वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल लेट्स लर्न एंड शेयर पर, जहाँ हम सीखते हैं बहुत कुछ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंडरगार्टन से रिलेटेड है। अगर आप किसी स्कूल, प्ले स्कूल्स या किंडरगार्टन में डेमो देने जा रहे हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसे अगर आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। सबसे पहली चीज, आपको गार्ड बांध लेनी है कि आप प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप अपना गुस्सा और अपनी इरिटेशन गेट के बाहर छोड़ के जाइए, क्योंकि आप जा रहे हैं छोटे बच्चों के बीच में जिन्हें सिर्फ स्माइल से ही पढ़ाना है, प्ले वे मेथड से पढ़ाना है, उनके साथ सिर्फ स्माइल देना है और उनके साथ। चलिए हम एक टॉपिक लेते हैं, समझिए आपको बच्चों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे डेमो देना है, तो अब आप क्या करेंगे? समझिए आपका नाम कुछ भी है, रीना, नेहा, कुछ भी है, तो आप बोलोगे, बच्चों को राइम सिखाओगे, खुद की फ्रेम की हुई राइम। अगर आप अपनी खुद की फ्रेम की हुई राइम बच्चों को सिखाओगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका प्रिंसिपल पे पड़ेगा और आपका तो सिलेक्शन फिर पक्का है। जैसे हमने ये पोयम एक राइम क्रिएट की, जैसे नेहा मैम वेयर इज योर नोज, little kids, here is your nose. Neha ma'am, where is your hair? little kids, here. ये आपकी खुद क्रिएट की हुई राइम होगी और ये बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अगर आप बताओगे और सिखाओगे तो भाई प्रिंसिपल तो आपसे इम्प्रेस होगी और आपका डेमो पक्का है। इसी तरह अगर सबसे लास्ट टिप और बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्ले स्कूल्स में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन पे कभी ना पढ़ाई का बोझ मत डालना, उन्हें पढ़ाई हमेशा एक इंटरेस्टिंग वे से सिखाना जिससे उन्हें भी करने में अच्छा लगेगा और आपको भी करने में अच्छा लगेगा। तो यही कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके की कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching. Bye.